हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा है खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। तो आज सुबह सुबह ही ब्लॉग शुरू कर दिया। ऑफिस जाने की तैयारी कर रही हूँ, लंच बैग अपना तैयार कर रही हूँ, साथ में बन रही है चाय। तो यूजुअली तो ये जल्दी आ जाते हैं नीचे और चाय रख लेते हैं। हाँ जी, अभी नीचे नहीं आए हो, थोड़ा सा लेट हो गए। नहा के निकले थे, पूजा कर रहे हैं और मैं उतनी देर में चाय बना लूँगी। और मेरे लंच की तो हो गई है पैकिंग ऑलमोस्ट, चाय भी ऑलमोस्ट तैयार है। बस अब बैठ के मैं चाय पीऊँगी और बस एंड में मुझे कॉम करनी है, बाल बनाने हैं और बस फिर मैं चली जाऊँगी। बाकी सब काम हुआ हुआ है, जो चाय के बर्तन होंगे वो कर दूंगी साफ। तो फिर आप जब आओ तो आराम रहता है, जब ये थोड़ा लेट जाते हैं तो ये भी कर देते हैं बाद में। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी काम कर देता है, मिलजुल के कर लेते हैं। चाय बन गई, अब मैं डालने लगी हूँ। मेरा कप होता है बड़ा और ये छोटे कप में पीते हैं, इनके कप में मैं शुगर फ्री डाल रही हूँ। और मैं तो कुछ भी नहीं डालती हूँ, ना चीनी ना शुगर फ्री, सिर्फ फीकी चाय ऐसे ही। काफ़ी सालों से मैं फीकी चाय पी रही हूँ, जबकि मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है डायबिटीज़ वाली। तो मुझे इन्होंने एक चीज़ बर्गर भी बना दिया चाय के साथ की सुबह सुबह। बैक करनी पड़ेगी ना, उल्टी खड़ी है गाड़ी, हो जाएगी सेंटर में शायद, देखती हूँ, नहीं तो फिर आपको बोलूँगी करो। बहुत तो जानी चाहिए, ज़्यादा ख़राब पोजीशन तो नहीं है। टेम्परेचर देखो 3.5 डिग्री है तो प्लस, पर ठंड है। 4 डिग्री तो फ्रिज के अंदर होती है। टेम्परेचर भी बढ़ गया, दिन में आज 22 होने वाला है। ये देखो यहाँ पे उस दिन मैं दिखा रही थी ना स्नो, हमारे ऑफिस के बाहर पार्किंग के पीछे की तरफ का ये जगह है, अब कोई नहीं है स्नो। अभी आई हूँ अपने ऑफिस से, पहले सब्जी दाल सब्जी बन जाती ना, उसके बाद ही मैं आराम से बैठती हूँ। तो मैं बनाने लगी हूँ सब्जी कद्दू की, जो कि मैंने पहले ही काट के फ्रीज किए हुए थे। ये कद्दू मैंने काट के फ्रीज कर लिए थे, चंक्स काटे हुए। सब इसको बनाऊंगी खट्टा मीठा कद्दू आज बनेगा। इसमें पहले मैं सूखे मसाले डाल रही हूँ। आज पूरी रेसिपी शायद नहीं दिखाऊंगी, मेरे तो वीडियो भी लंबी हो गई है और मैं थक गई हूँ, जल्दी जल्दी बना लूँगी। इसमें मैंने वो भिगोया हुआ है गुड़, तो मैं यहाँ पे खट्टा मीठा कद्दू बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें कि हम गुड़ और इमली डालते हैं ना, उसी से ये खट्टा मीठा होता है। तो जब मैंने सारी तैयारी कर ली, अब गुड़ भी मैंने भिगो दिया पानी में, तो एंड में मैंने रियलाइज़ किया कि इमली तो घर में है ही नहीं, पिछली बार मैंने यूज़ कर ली थी। तो अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि अगर आपके पास भी ऐसा कभी हो जाए तो आप क्या करें। तो मैं ना घर में हमेशा ही गुड़ वाली इमली वाली चटनी घर में बना के रखती हूँ फ्रिज में काफ़ी सारा। तो ये देखो इमली की चटनी, ये डाल दी मैंने कद्दू की सब्ज़ी में, ये डाल दी थी और सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। सब्ज़ी भी मेरी ऑलमोस्ट बन गई है, तो मैं अब अपने लिए चाय रख रही हूँ और बैठ के फिर आराम से चाय पीऊँगी, एक डेढ़ घंटा आराम करूँगी।
अब लो मेरी बारी, गैस नहीं चल। जब मैंने चाय रखी मैं अपने लिए चाय बनाने लगी तो कोई भी बर्नर नहीं जला गैस का। मैंने सारे ट्राई करे, अभी सब्जी बनाई, अभी गैस चल रही थी, पता नहीं क्या हो गया। तो अब मैं सोच रही हूँ कि माइक्रोवेव में ही चाय बना लेती हूँ, कप में पानी डाल के माइक्रोवेव में रख दूँगी। आजकल दिन बहुत लंबे हो गए हैं यहाँ पे, सुबह 4:30 बजे से रात को 9:30 बजे तक, काफ़ी टाइम मिल जाता है काम करने के बाद भी बाहर बैठने के लिए। ये देखो ग्रीन, जो ग्रास ग्रीन हो गया ना, ब्राउन दिखाया था ना 2-4 दिन पहले, ये एकदम से ग्रीन सारा टर्न हो जाएगा। बहुत ग्रीनरी आती है समर में यहाँ पर। अब 1 महीने में इस जो है थोड़ा गीलापन अंदर वो सूख जाएगा ना, फिर हम यहाँ पे लगाएंगे अपना किचन गार्डन। तो चलो बस अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे फिनिश करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।